सो गाइस फाइनली इथेरियम स्पॉट ETF अप्रूव हो चुके हैं। अब हमें इथेरियम के अंदर काफी अच्छी स्पाइक देखने को मिल सकती है। जब बिटकॉइन ETF अप्रूव हुए थे तो तब उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी बिटकॉइन के अंदर। अब सेम चीज होने वाली है इथेरियम के साथ, और इथेरियम से रिलेटेड काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, काफी सारे कॉइन्स हैं जो कि इथेरियम के साथ काफी अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग इथेरियम की माइनिंग करना चाहते हो या फिर एक तरीके से रिवॉर्ड पाना चाहते हो, उसको स्टेक करके एक अच्छी खासी इनकम करना चाहते हो, तो कम से कम आपके पास 33 इथेरियम होने चाहिए उसके वैलिडेटर बनने के लिए। लेकिन आपके पास अगर इतने इथेरियम नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में है, तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिन पे आप अपने इथेरियम को स्टेक करके एक अच्छा खासा रिवॉर्ड पा सकते हो। तो ऐसे जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी के अंदर हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वही सारे प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जो कि इथेरियम के साथ काफी अच्छी रैली दिखाने वाले हैं, आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न ये कॉइन दे सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं उन कॉइन्स के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा रहा हूँ। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मैं काफी सारी अपडेट आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। और ट्विटर हैंडल अकाउंट भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर भी मैं आप लोगों को काफी सारी अपडेट देता रहता हूँ, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। बाकी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। आपको अगर प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इंस्टाग्राम पे DM कर दो। चलो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे तो इथेरियम ही है, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिलेगी, तो उन सभी कॉइन के अंदर भी स्पाइक देखने को मिलेगी। और पिछले 7 दिनों में इसने लगभग 30% की गेनिंग हम लोगों को दी है। सेकेंड कॉइन यहाँ पर बन जाता है लीडो स्टेक, इसके अंदर भी काफी अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और ये इथेरियम के साथ साथ चलने वाला है। लगभग जिस वैल्यू के आसपास इथेरियम रहेगा, उसी वैल्यू के आसपास ये भी रहेगा। अगर इथेरियम $6,000 जाता है तो ये भी हमें $6,000 के आसपास देखने को मिलेगा। सेकेंड कॉइन की अगर मैं बात करूं तो वो है इथेरियम क्लासिक। इथेरियम क्लासिक भी हमें इस बुल रन में $100 के आसपास देखने को मिल सकता है। जो हमारा नेक्स्ट कॉइन है वो है रेप ई इथेरियम, इसके अंदर भी हमें काफी अच्छी स्पाइक देखने को मिल सकती है। लगभग ये भी इथेरियम के साथ ही चलेगा, जिस वैल्यू के आसपास इथेरियम होगा उसी वैल्यू के आसपास ये भी होगा। अभी तो ये इथेरियम की वैल्यू से भी ऊपर चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉइन की तो वो है रॉकेट पोल इथेरियम, इसके अंदर भी काफी अच्छी स्पाइक देखने को मिलेगी। और अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हो जिस वैल्यू पे इथेरियम चल रहा है उससे ऊपर ये चल रहा है। इथेरियम लगभग $3,800 के आसपास है और ये चला है $4,134, यानी कि $300 ऊपर ही चल रहा है इथेरियम की वैल्यू से, तो इसके अंदर भी हमें काफी अच्छी स्पाइक देखने को मिलेगी। और इसके बाद नेक्स्ट कॉइन जो है वो है मेंटल स्टेक इथर, इसके अंदर भी हमें काफी अच्छी स्पाइक देखने को मिलेगी, ये भी इथेरियम की वैल्यू के आसपास ही रहेगा। अगर अब हम बात करें लास्ट कॉइन की तो वो है लीडो डाओ, इसके अंदर भी काफी अच्छी स्पाइक देखने को मिलेगी। इस बुल रन के अंदर हमें लगभग ये $20 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसी तरीके का प्रोजेक्ट है जिस तरीके के बाकी सारे प्रोजेक्ट हैं, और इन सभी प्रोजेक्ट के अंदर हमें काफी अच्छी स्पाइक देखने को मिल सकती है। सो गाइस आई होप कि अब तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि वो सारे कॉइन कौन से रहने वाले हैं जिनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और एक अच्छा खासा रिटर्न ये कॉइन हमें दे सकते हैं। और ये जो मैंने आपको 5-6 कॉइन बताए, इन्हीं कॉइन में से एक दो कॉइन ऐसे भी होंगे जो हमें 10x से लेकर 20x तक का भी रिटर्न देंगे। जैसे कि इथेरियम क्लासिक हो गया, उसके अंदर काफी अच्छी स्पाइक देखने को मिल सकती है, और लीडो डाओ जो है उसके अंदर भी हमें लगभग 10x का रिटर्न मिल सकता है। तो इन सभी प्रोजेक्ट पे नजर बनाकर रखो, जैसे ही इनके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है तो अब आप यहाँ पर एंट्री लेकर अच्छा खासा रिटर्न की यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, ताकि आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न मिल सके। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मैं मिलता हूँ फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।